Hi friends, this is eGurukul. Subscribe to eGurukul and today we are going to discuss about the chapter number 6. Aaj hum padhenge chapter number 6 from class 8 Kaksha Arts Science NCERT Vigyan ki NCERT se. Chapter name is Combustion and Flame. Hindi mein kahe to dahan aur jwala. So let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर बोलता है व्हाट इज कंबशन, दहन क्या है हिंदी में कहे तो. देखिए इससे पहले यू शुड रिमेंबर दिस ट्रायंगल, वी कॉल इट ट्रायंगल ऑफ फायर. इट कंटेन्स द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ फायर. व्हाट आर दिस? फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड हीट एंड थर्ड इज फ्यूल. सो व्हेन एवर यू विल थिंक ऑफ फायर यू हैव टू हैव इन माइंड all these three things, because these three things are required to ignite or continuation of fire. Fire ke continuation ya fire lagne ke liye teenon cheeze hi bahut aavashyak hai. Without these three things, fuel, heat or oxygen, in teenon ke alawa, fuel yani eendhan, heat yani usma aur oxygen to आपको पता ही है ऑक्सीजन ही रहता है. ठीक है, तो ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन के बिना फायर कंटिन्यू नहीं रह सकती या लगेगी ही नहीं. और आपको ये भी पता है विदाउट ऑक्सीजन गैस फायर इज़ नॉट पॉसिबल. फायर ऑक्सीजन के बिना हो ही नहीं सकती है. आपको वो ग्लास एंड कैंडल का एग्जांपल याद होगा. इफ़ यू रिमूव एनी वन ऑफ दीज थ्री द फायर विल स्टॉप्स देन एंड देयर. इन तीनों में से एक या एक से ज़्यादा कोई भी कंपोनेंट आप हटा दो तो फायर वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी. ओके, सो अभी देखेंगे कंबशन की डेफिनेशन क्या है. देखिए ऐसी केमिकल रिएक्शन, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए पर्टिकुलर सब्सटेंस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूसन एज इन रिजल्ट. मतलब ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ उष्मा देने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. मतलब इसमें क्या होता है, एक पदार्थ रासायनिक क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ उष्मा यानी हीट प्रोड्यूस करने के लिए. इस हीट को हम फर्दर किसी वर्क में यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो कि कंबशन या दहन के अंतर्गत जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको या तो ईंधन या फिर दहनशील या कंबस्टिबल. इंग्लिश में बोले तो कंबस्टिबल, हिंदी में कहे तो दहनशील, या फिर फ्यूल बोलते हैं ईंधन. तो दहन, कंबस्टिबल या फ्यूल आर दो सब्सटेंसेस विच अंडरगोइंग कंबशन. ओके, नेक्स्ट है, देखिए कंबशन में लाइट और फ्लेम इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हो सकते हैं. लाइट और फ्लेम को हम बोल सकते हैं प्रकाश और लो. ठीक है, अब ये क्या होता है, फ्लेम क्या होता है वो आगे हम देखेंगे. मतलब लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, प्रकाश निकल सकता है उस रासायनिक प्रतिक्रिया कंबशन में. ठीक है, नेक्स्ट कम द डेफिनेशन ऑफ इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप क्या है, तापमान क्या है, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस ज्वलनशील पदार्थ क्या है. तो इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन तापमान क्या है, देखिए ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, निम्न से निम्न सबसे कम तापमान है किसी पदार्थ के लिए जिस पर वह पदार्थ आग पकड़ लेता है. फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एक पदार्थ आग पकड़ लेता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस. वहीं एक 100 पे पकड़ता है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ. सो ये डिफर कर सकता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ज्वलनशील पदार्थ, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर वो बहुत कम होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है. एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रव रूप पेट्रोलियम गैस इसमें आता है.
एंड थर्ड अल्कोहल भी इसमें आता है। ये तीनों क्या है, इन हाईली इनफ्लेमेबल है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं क्योंकि इनका जो ज्वलन ताप है, इग्निशन टेम्परेचर, वो बहुत लो है। टॉपिक हाउ टू स्टॉप फायर, फायर अगर लग गया है, आग अगर लग गया तो उसको कैसे रोके। एज यू रिमेम्बर हमने कभी पहले ट्रायंगल का डिस्कशन किया है, कुछ इस टाइप का जो आपने देखा था। अगर आप इनमें से वन या मोर, एक या एक से अधिक किसी एक इन तीन एसेंशियल कंपोनेंट को हटा दो जो कि रिक्वायर्ड है फायर के लिए, तो फायर विल ऑटोमेटिकली स्टॉप, फायर अपने आप रुक जाएगा। तो क्वेश्चन है कैसे हटाएं, हाउ। सो इट्स सिंपल, बाय एनी ऑफ दीज थ्री स्टेप्स। आगे हम जो तीन स्टेप डिस्कस करेंगे उनमें से किसी एक को अपनाइए या एक से ज़्यादा को अपनाइए, तो ये फायर अपने आप, आग अपने आप बुझ जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज बाय चेंजिंग कंपोनेंट हीट। हाउ, कैसे, अगर हम ये कंपोनेंट हीट को चेंज करें, ऊष्मा को, यानी ये जो ऊष्मा बोलते हैं हम हीट को, उसको चेंज करें, तो ये कैसे होगा। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर नियर फायर, फायर के आसपास, आग के आसपास तापमान को कम कर दीजिए। उससे क्या होगा, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर यू आर एक्चुअली स्टॉपिंग एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अदर ऑफ बर्निंग मेटल। मेटल में एक सब्सटेंस में क्या होता है जिसमें आग लगी हुई है, मान लीजिए एक सब्सटेंस है, इसमें इस साइड में आग लगी हुई है, तो ये आग फैलती कैसे है, इधर से उधर फैलने के लिए क्या रीजन होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो पास में आग लगी है जहाँ पे, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसके जो बगल वाले हैं उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इसमें करता है, इस हिसाब से आग फैलती जाती है, ये टेम्परेचर इसमें बढ़ता जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आग भी जल्दी पकड़ता जाएगा। यही कारण है कि आग बढ़ती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर या हीट। तो अगर हम ये टेम्परेचर इसका कम कर देंगे तो ये जो हीट इनको मिल रही थी, जो मिल इनको एनर्जी मिल रही थी इलेक्ट्रॉन को, वो बंद हो जाएगी, तो आग अपने आप रुक जाएगी। सेकंड स्टेप में है ये आपको जो हीट वाला कॉन्सेप्ट आप जनरल फायर किसी को बुझाते देखा होगा पानी डाल के, तो वो यही करता है, वो तापमान कम कर देता है, हीट कम कर देता है, ठीक है, ऊष्मा कम कर देता है। सेकेंड स्टेप इज एसोसिएटेड विद फ्यूल, ये फ्यूल ईंधन से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हो, अगर आप आग जलने के लिए एक कॉन्सेप्ट जरूरी है कि एक पदार्थ चाहिए, एक उस पदार्थ को बोलेंगे ईंधन, ठीक है। अगर आप उस पदार्थ, जैसे लकड़ी में, वुड में आग लगी है, आप उस वुड को ही अलग कर दीजिए खींचकर, तो क्या होगा उससे कि वो आग बुझ जाएगी क्योंकि उसको जलने के लिए ईंधन चाहिए। तो वो कोई भी बर्निंग मटेरियल है, मटेरियल जो कि आग के लिए, बर्निंग के लिए ज़रूरी है, उसको ही हम फ्यूल या ईंधन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप उसको हटा सकते हैं तो फायर रुक जाएगी। थर्ड स्टेप होगा रिलेटेड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या, देख जैसे हमने आप पीछे पढ़ा कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है आग लगने के लिए, विदाउट ऑक्सीजन, इन अबसेंस ऑफ ऑक्सीजन फायर आग लग ही नहीं सकती। तो अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दो, ये कैसे कर सकते हो, आप एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, जब वो एक सब्सटेंस के साथ मिक्सअप रहती है उसमें, जब इस पे जैसे फायर लगी हुई है तो इसको कंटिन्यू, मतलब अगर ये फायर कंटिन्यू है तो मतलब ऑक्सीजन इसको कंटिन्यू मिल रही है। अब अगर आप इस पे एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करते हो तो क्या होता है, CO2 की फिल्म जम जाती है, एक परत जम जाती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई इधर आने नहीं देती, और आपको पता है कि CO2 फायर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और वो उसको, फायर को रोक देता है। तो यही कारण है कि एक्सटिंग्विशर को, फायर एक्सटिंग्विशर को हम ऑपरेट करते हैं जब फायर लग जाती है, ठीक है। तो यही था इसमें फायर स्टॉप करने के तरीके। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा हमारा टाइप्स ऑफ कम्बोशन। देखिए टाइप्स ऑफ कम्बोशन दो ही टाइप के, दहन के प्रकार, यानी दो टाइप के, रैपिड जिसको तीव्र दहन बोलते हैं हिंदी में, सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस, स्वतः दहन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो रैपिड या तीव्र दहन क्या है, रैपिड कम्बोशन या तीव्र दहन क्या है, देखिए दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे हम।
इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन दिस कम्बशन ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, मतलब एक बहुत कम समय में इस दहन में एक लार्ज अमाउंट में, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में उष्मा और प्रकाश प्रोड्यूस होता है, मतलब उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रैपिड या तीव्र दहन, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि आपने कुकिंग गैस जो घर में यूज़ करते हो, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है रैपिड कम्बशन का। केरोसिन ऑयल जो स्टोव में बर्न होता है, केरोसिन ऑयल, तो वो मिट्टी का तेल, वो भी एक इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है कैंडल वैक्स, जो आपकी मोमबत्ती जलाते हो उसमें वैक्स जो जलता है, मोम जो जलता है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल। तो तीन एग्जाम्पल हो गए, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद स्पॉन्टेनियस सप्त दहन क्या होता है, देखिए उसमें हमने पढ़ा रैपिड या तीव्र दहन में कि उसमें बाहर से उष्मा दे रहे हैं, आप जैसे गैस स्टोव का एग्जाम्पल देखेंगे तो आप उसको लाइटर से या माचिस से जलाते हो ना। उसके बाद कैरोसिन स्टोव में भी कैरोसिन को जलाना पड़ता है, उसके बाद मोमबत्ती को भी जलाना पड़ता है, जबकि स्पॉन्टेनियस में ऐसा नहीं है, स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है सप्त दहन, इसलिए इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट अकर्स एट इट्स ओन, नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड इन दिस, मतलब बाहर की उसमें इसको चाहिए नहीं। तो एक्चुअली द हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस कम्बशन इज प्रोड्यूस इन साइड द सब्सटेंस इटसेल्फ, मतलब जो हीट जो रिक्वायर्ड है कम्बशन के लिए, फिर वो आती कहाँ से है, वो सब्सटेंस या पदार्थ के अपने अंदर से आती है। कैसे, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हमने जो पढ़ा था पीछे, ऑक्सीकरण जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा होती है। ऑक्सीकरण क्या था, ऑक्सीडेशन क्या था, अगर कोई सब्सटेंस, इफ ए सब्सटेंस इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब अगर एक पदार्थ किस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, उससे क्रिया कर रहा है, रासायनिक क्रिया, तो उस रासायनिक क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण उस पदार्थ की, ठीक है। तो यही है इसमें कि ये सप्त दहन होता है, कि दहन की वो प्रक्रिया जिस जो अपने आप होती है बिना किसी बाहरी ताप की सहायता से, ठीक है। सो ये एग्जांपल अभी देखेंगे हम, ये रूम टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। जनरली द हीट रिक्वायर्ड फॉर सम, जैसा हमने डिस्कस किया, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में हम देखेंगे जो फॉस्फोरस का जलना होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, वो सफ़ेद फॉस्फोरस का एक स्पॉन्टेनियस कम्बशन या सप्त दहन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद कोल डस्ट, जो कोयला होता है खदानों में जो जलता है कोयले की धूल, उसमें कोल डस्ट जिसको बोलते हैं, कोयले की धूल, वो भी एक कम्बशन, उसका कम्बशन भी एक इसका ही एग्जाम्पल है सप्त दहन का। इसकी वजह से खदानों में कई विनाशकारी डिजास्ट्रियस फायर भी लगती है, ठीक है, कोल माइन में। नेक्स्ट आता है, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो फॉरेस्ट फायर होती है किस वजह से, देखिए हीट की सन में आपको पता है इंफ्रारेड रेज होती है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर लाइटनिंग जो बिजली गरजती है, बिजली जो गिरती है उस, वो भी स्पार्क प्रोड्यूस कर सकती है। तो इन दोनों हीट फ्रॉम सन, जो सन की हीट है उससे, या फिर लाइटनिंग बिजली की स्पार्क से, जो आग अगर प्रोड्यूस होती है किसमें, जंगलों में, ठीक है, उसी को फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग बोलते हैं। तो वो भी एक कम्बशन, क्योंकि इसमें भी हम आग नहीं लगा रहे, ये किसी नेचुरल फेनोमेना से हो रही है, ठीक है। तो ये से भी एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस कम्बशन के, आप इनको याद रखिएगा, स्पेशली वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, एंड कोल डस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप देखिए, दोनों हमने पढ़े, जैसे रैपिड भी, तीव्र दहन और सप्त दहन, तो इन दोनों में हमने बेसिकली एक डिफरेंस देखा क्या, कि ये इसके लिए एक्सटर्नल हीट चाहिए, बाहरी ताप चाहिए, बाहरी उष्मा चाहिए, इसके लिए डजेंट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए बाहरी हीट या उष्मा, ठीक है। इसके अलावा एक अलग कम्बशन आता है, अलग दहन आता है, जिसको एक्सप्लोजिव कम्बशन या विस्फोटक दहन बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर इस स्लाइड में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि रैपिड एक्सपेंशन होता है गैसेस का, एक्चुअली विच क्रिएट्स लाउड साउंड, एग्जाम्पल द फायर क्रैकर्स वी एक्सप्लोड ड्यूरिंग फेस्टिवल दिवाली, ठीक है, जो आप फायर क्रैकर दिवाली या फेस्टिवल या वेडिंग्स में आप जलाते हो, तो वो एक्सप्लोजिव कम्बशन क्रिएट करते हैं। कैसे, देखिए इसमें क्या होता है,
लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलती है, हीट निकलती है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप चैप्टर में नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया था, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फ्लेम का, ज्वाला जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए जो भी हिंदी के वर्ड्स हैं वो मैं अपनी तरफ से नहीं, ये एनसीईआरटी की हिंदी वाले जो संस्करण या जिसको बोलते हैं बुक है उससे लिए हैं, उसको कंपेयर करके मैंने डाला है ताकि हम दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सके और कंपेयर करके कुछ ज़्यादा ईजी समझ में आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लेम का उसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ फ्लेम। अब ये तीन पिक चार पिक देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, दी जोल आर कॉल्ड फ्लेम, ज्वाला बोलते हैं इनको। दी पिक्स वी आर सीइंग ऑन स्क्रीन आर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लेम। सो व्हाट इज एक्चुअली फ्लेम इज, आंसर इज ए विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ ए फायर। जो दिखने वाला पार्ट होता है फायर का, आग का, उसको बोलते हैं हम दिखने वाला गैसियस, मतलब गैस वाला पार्ट जो रहता है उसको बोलते हैं फ्लेम या ज्वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम है। अब इसमें हाई टेम्परेचर रहता है, आपने छू के भी देखा होगा मोमबत्ती के ऊपर, तो आपको लगेगा हाँ आप सर्दियों के टाइम में भी आग जला के ऐसे लकड़ियों में सीखते होंगे तो वो आपको महसूस होता होगा टेम्परेचर। नाउ कलर ऑफ ए फ्लेम डिपेंड्स अपॉन द थिंग दैट वी टाइप ऑफ फ्यूल इज बीइंग यूज इन द फायर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल यूज इन फायर कलर ऑफ फ्लेम में डिफर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ईंधन, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे इसमें वुड यूज किया, इसमें कैंडल यूज़ किया, इसमें मैस्टिक यूज़ किया, तो आप देखोगे डिफरेंट ईंधन हम जला रहे हैं तो उनके फ्लेम का कलर इन सब का डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ही बेसिकली कहना चाह रहा है, जिस डिफरेंट टाइप के फ्यूल आप जलाओगे तो फ्लेम का कलर भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। यही है इसमें, बाकी कुछ खास नहीं। नेक्स्ट कम जी, जोन्स ऑफ फ्लेम ऑफ कैंडल, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ही पिक्चर लिया है हिंदी और इंग्लिश वाली से। तो देखिए जो इसको आप याद कर सकते हैं, ब्लू येलो एंड ब्लैक, एक इस ऑर्डर में। ये क्या है, सबसे ये है आउटर जोन है सबसे, एंड दिस इज द हॉटेस्ट, मॉडरेट हॉटेस्ट एंड लीस्ट हॉटेस्ट, मतलब सबसे गर्म भाग ब्लू है, सबसे कम गर्म है येलो एंड सबसे कम गर्म है ब्लैक। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे बाहर वाला पार्ट अब अगर देखो फ्लेम का तो ये है ब्लू, ये मतलब ये क्या है, कंप्लीट कंबशन में जाता है, पूरी तरह जलता है फ्यूल का ये पार्ट। उसके बाद येलो आता है वो हाफ मिडल जो ना पार्शियल कंबशन होता है, मतलब कुछ जलता कुछ नहीं, और जबकि ब्लैक जो इनर मोस्ट है वो बिल्कुल नहीं जलता, इसलिए वो सबसे कम गर्म होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ब्लू येलो ब्लैक इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंबशन या हॉट प्रॉपर्टीज़, ओके टेम्परेचर प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट कम दी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूल, व्हाट इज़ फ्यूल, ईंधन क्या है। देखिए जैसे डेफिनेशन आप पढ़ोगे ये, तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि किसी अदर मटेरियल से सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, क्यों, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और इन एनी अदर फॉर्म जो कि किसी काम के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे ईंधन या फ्यूल, ठीक है। सॉरी तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो फ्यूल का यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ दीज थ्री फ्यूल्स विच आर द फ्यूजियल फ्यूल्स, जिनको जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, कोयला, तेल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको देखना है तो पीछे वाली वीडियो देख लीजिए। इसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी आती है, ईंधन की दक्षता। एफिशिएंसी दक्षता क्या होती है कि कोई अगर इंसान की दक्षता हम बोले तो वो कितने टाइम में कितना काम कर पा रहा है कंपेयर टू अदर, तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होती है, उसकी दक्षता उतनी होती है। तो इसी प्रकार से एक फ्यूल कितने जलने पर, कितना खर्च होने पर, कितनी ज़्यादा वर्क या ऊष्मा प्रदान कर रहा है, तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी होगी, ठीक है। ये जो सिंपल आप इसे पढ़ सकते हो, ईंधन के दहन प्रक्रिया द्वारा जारी ऊर्जा के अनुपात जो उपयोग कार्य में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, उसको फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं। फॉर व्हीकल इट इज़ मेजर्ड इन माइल्स पर गैलन और किलोमीटर पर लीटर, ये इस टाइप में मेजर किया जाता है। उसके बाद
कॉन्सेप्ट आता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान का। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, मतलब 1 kg का फ्यूल अगर हम कंबशन करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान बोलते हैं। इसको किलो जूल पर केजी में मेजर करते हैं। तो आपको ये 1 kg वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। 1 kg का फ्यूल जलाया तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद आइडियल फ्यूल का कॉन्सेप्ट होता है, आदर्श ईंधन। देखिए कोई भी फ्यूल ऑन अर्थ इज नॉट एन आइडियल फ्यूल, मतलब उसमें कुछ न कुछ कमियां निकलती है, देर मे बी सम डेफिशिएंसी इन ए पर्टिकुलर फ्यूल। तो कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं है। हम गुड फ्यूल का कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं लेकिन आइडियल फ्यूल नहीं बोल सकते। गुड फ्यूल में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ मान सकते कि दैट शुड कंटेन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, तो हम एक एक करके देखेंगे एक गुड फ्यूल में क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। एक गुड फ्यूल में भी इजीली अवेलेबल, आसानी से प्राप्त हो सकता है, तो वो एक गुड फ्यूल है। और ऐसा नहीं कि पिलर टू पोस्ट हम रन कर रहे हैं एक फ्यूल लेने के लिए, मतलब यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो एक इजीली अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद उसका बर्न्स इजीली होना चाहिए, वो अच्छे से जलना चाहिए इन एयर, ठीक है। उसके बाद चीप होना चाहिए, ज़्यादा पैसे उस पर खर्च नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेस मनी टू परचेज होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, बर्न्स कम्प्लीटली एंड लीव्स नो अनबर्न मेटल बिहाइंड, मतलब वो कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ऐसा फ्यूल अगर वो कुछ पीछे अनबर्न मटेरियल छोड़ेगा तो वो ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी हार्मफुल है, पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल में बेसिकली 3 types ऑफ फ्यूल आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सॉलिड, मतलब सख्त, ठीक है। उसके बाद लिक्विड यानी द्रवित, उसके बाद आता है गैसियस यानी गैसियस टाइप का। तो सॉलिड में आप कोयले का एग्जांपल देख सकते हैं, लिक्विड में पेट्रोल डीजल का एग्जांपल आप देख सकते हैं, गैसियस में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं। उसके बाद सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, तो ठीक है, ये सब टाइप्स ऑफ फ्यूल, 3 types के फ्यूल होते हैं। नाउ